हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। यानी कॉनिकल टेंट की जो हाइट है वो कितनी है, 8 मीटर, और बेस रेडियस है 6 मीटर। यानी हाइट है 8 मीटर और वेस रेडियस 6 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला है, एज्यूम द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। यानी 20 सेंटीमीटर वेस्टेज कितना है, 20 सेंटीमीटर, और ब्रिथ कोई कौन है ये, ठीक है ना। और जो कपड़ा आता है वो किसकी फॉर्म में आता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है, ठीक है ना। इसकी ब्रिथ दी गई है 3 मीटर, यानी इसकी ब्रिथ कितनी दी है, 3 मीटर, और इसकी हाइट दी है 8 मीटर और रेडियस दिया 6 मीटर, ठीक है ना। तो इसका ब्रिथ कितना दिया है, ब्रिथ दी है 3 मीटर, और वेस्टेज कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। इसे हम राइट कर सकते हैं 0.2, इतना मीटर वेस्टेज, यानी ख़राब चला जाता बेकार। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो एरिया यानी एरिया, या एरिया लिख दो चाहे सी ऐसे लिख दो, क्योंकि जो भी हम हमारा कोण बनेगा ना, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड वी रिक्वायर टू मेक द कॉनिकल टेंट बनाना है। तो टेंट में बेस में तो लगाएंगे नहीं कपड़ा, चारों तरफ लगाएंगे, तो यानी सी एस ए निकलेगा। तो सी एस ए इक्वल होता है पाई आर एल, ठीक है ना। तो ये क्या निकलेगा, 22, पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 दिया है, तो वो पुट करो 3.14 इंटू आर कितना है 6, और इंटू एल, एल हमें मालूम नहीं है तो क्या करें, एल हम फाइंड कर लेंगे। एल कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कितना आ गया, 36 प्लस 64, ये आ गया अंडर रूट 100, क्या आएगा 10 मीटर, ठीक है ना। ये आ गया हमारा एल, तो ये आ गया 10। अब इसका इसमें देखो, इसका जब इंटू करेंगे तो 31.4 हो जाएगा इंटू 6। अब 6 का इंटू कीजिएगा, 6 4 जा 24, और 6 1 जा 6 और 2 8, और 6 3 जा 18। ये तो निकाला है इसका सी एस ए, लेकिन जो कपड़ा है उसका लेंथ ब्रिथ होता है ना, हमें फाइंड करना है लेंथ, यानी इसकी ब्रिथ मालूम, तो इसकी पहले लेंथ निकाल लीजिएगा। तो क्या होता है, एल इंटू वी, यानी यही तो फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो एल इंटू वी कितना, 3 इक्वल 188.4, तो एल इक्वल आएगा 188.4 अपॉन 3, तो 3 का कर दीजिए डिवाइड, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, और 3 8 जा 24, यानी 62.8। लेकिन जो वेस्टेज निकला था, 20 इतना सेंटीमीटर वेस्टेज चला जाता कर लेंथ, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लेंथ आएगी, यानी क्या फाइंड क्या करना है, मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टिचिंग मार्जिन, यानी अज्यूम द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मार्जिन मटेरियल, उसमें एक्स्ट्रा लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर जो है उसका वेस्टेज है। तो लेंथ पूछा है, तो लेंथ हमारा क्या हो जाए, रिक्वायर्ड लेंथ, यानी ये हो जाएगा हमारा 62.8 प्लस ये जो वेस्टेज वाला है इसको ऐड कर दीजिएगा 0.2, तो कितना आएगा 63 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द स्लेंट हाइट एंड वेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब, द स्लेंट हाइट एंड वेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब दिया है 25 एंड 14। यानी कि पहले तो आप डायग्राम बना लीजिएगा, स्लेंट हाइट हमारा ये होता है ना एल, स्लेंट हाइट कितना दिया है, स्लेंट हाइट एंड कॉनिक, स्लेंट हाइट एंड डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 एंड 14, तो एल दिया है 25
मीटर और डायमीटर दिया है 14 मीटर, यानी कि ये दिया है 25 मीटर और ये दिया हमारा 14 मीटर, ठीक है ना। तो आर निकालेंगे तो कितना आएगा, 14/2 यानी कि 7 मीटर, ठीक है ना। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले इसका सी एस ए निकालना पड़ेगा, यानी सी एस ए पर ही तो वाइट वॉशिंग होगी, तो इसका निकालिएगा सी एस ए। सी एस ए क्या हो जाएगा, सी एस ए होता पाई आर एल, पाई आर एल। तो 22/7 इंटू आर कितना, 7 इंटू एल कितना, 25। तो 25 टू जा इसका इंटू कर लीजिएगा, 25 टू जा कितना होता है 50, 25 टू जा 50 और 5 550, तो कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर। तो क्या दिया, कॉस्ट पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कॉस्ट पर 100 मीटर स्क्वायर इक्वल दिया ₹210, 210 रुपये लगते हैं 100 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना होगा, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर आएगा 210/100, ठीक है ना, इतना रुपये लगेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 210/100 इंटू 550। जीरो से ये जीरो कट, इससे ये कट। अब 21 का जरा 55 में इंटू कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो कीजिए 21 में 55 का 5 बन जा 5, 5 2 या 10, 5 बन जा 5, 5 2 या 10, यानी कि 5 5 1 1, कितना आंसर आ गया 1 1 5 5, ये आंसर हो गया आपका 1 1 5 5। क्लियर।